हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके शॉर्टकट कीज क्या हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप उतने हिस्से का ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितना कि आपको चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर और विंडोज की दबानी है और उसके साथ आपको करना है प्रेस प्रिंट स्क्रीन। ये आपके कीबोर्ड पर होगा और जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट आपकी पिक्चर्स में सेव हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर आपको इस स्क्रीनशॉट को देखना है आप अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों पिक्चर्स में जाएंगे और आपको स्क्रीनशॉट में ये स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, जैसे कि मैंने इसी का स्क्रीनशॉट लिया था। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आप तो इस लोकेशन पर स्क्रीनशॉट नहीं मिलता है या आप किसी और जगह उसे पेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप जैसे पेंट में ही पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पेंट ओपन करेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे इसी, और दोस्तों जो आपका स्क्रीनशॉट है वो पेंट में आ जाएगा। फिर आप इसे फाइल से सेव कर सकते हैं जहां पर भी आपकी लोकेशन चाहिए आपको और ये सेव हो जाएगा। जैसे मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ और ये डेस्कटॉप पर सेव हो गया। तो दोस्तों, ये था एक तरीका स्क्रीनशॉट लेने का। अब दूसरा तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उतना ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितना कि आपको जरूरत है। दोस्तों, अगला तरीका भी बहुत आसान है। उसके लिए आपको करना क्या है, स्टार्ट मेन्यू में दोस्तों आप जाएंगे और टाइप करेंगे स्निप, SNIPPING, स्निपिंग टूल। दोस्तों, ये स्निपिंग टूल आ गया है, आप इसे ओपन करेंगे और इसमें ये चार ऑप्शन आएंगे। दोस्तों, जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी स्क्रीन है वो ब्राइट हो जाएगी। आप जितने हिस्से को दोस्तों सेलेक्ट करेंगे, सपोज दैट मैं इतना ही हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जैसे ये स्क्रीनशॉट आ चुका है, अब आप इसे सेव कर सकते हैं और ये जहां पर भी आप सेव करेंगे, डेस्कटॉप पर ही मैं सेव कर देता हूँ SS के नाम से। और दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है। आप इसको पेन से हाईलाइट भी कर सकते हैं जैसे ये, और ये पेन से कुछ इसमें मार्क भी कर सकते हैं, ये सेव हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, तीसरा तरीका जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है। ये विंडोज ने नया विंडोज 10 में ही शो किया है और इसको स्निप एंड स्केच का ऑप्शन बोलते हैं। इसका शॉर्टकट कीज जो है दोस्तों विंडोज शिफ्ट और S का बटन अगर आप दबाएंगे तो आप उसके बाद ये आपके सामने विंडोज बनी आ जाएगी। इसके बाद आप किसी भी सरफेस को इस एरो से सिलेक्ट करेंगे और उसका जो है स्क्रीनशॉट आपके क्लिपबोर्ड पर सेव हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसमें कुछ चेंजेस या मार्क करना चाहते हैं तो ये ऊपर कई तरह के पेन दे रखे हैं इसमें, और रूलर वगैरह भी दे सकते हैं, दे रखे हैं, और इरेजर भी है। और अगर आप इसको फर्दर और क्रॉप करना चाहते हैं तो आप और भी इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे अब मैं इसमें कुछ मार्क करना चाहता हूँ तो मैं मार्क भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी जानकारी कि कैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस में और बनाता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें।